रात को सोने से पहले बस मेरा बताया हुआ ये एक चम्मच दूध के साथ ले लीजिए। आपके शरीर से बुढ़ापा, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन, बालों का सफेद होना, आंखों का कमजोर होना, चेहरे पर बुढ़ापा, ये सारी तकलीफें कोसों दूर भाग जाएंगी। इनफैक्ट ये आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा। तो क्यों ना इसे ध्यान से देखा जाए और इस सुपर टॉनिक को बनाना कैसे है और क्या क्या है इससे होने वाले फायदे जरूर सुनिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि उसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती आपको बताने से, ताकि आप मजबूर हो जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। आपको भी यकीन हो जाए कि आपको अगर जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आज से ही इसको लेना शुरू कर देना है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस टॉनिक की, इसको छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र का इंसान इसको लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसको लेना कैसे है और किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरा कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप इस टॉनिक को बनाते हैं तो इस टॉनिक को इनटेक करने से अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो दूर हो जाएगी। बुढ़ापा आपके फेस पर जल्दी से नजर नहीं आएगा, साथ में आपके जो बाल सफेद हो गए हैं वो काले हो जाएंगे और फ्यूचर में आपके बाल सफेद नहीं होंगे। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप नोटिस करेंगे उनका दिमाग और उनकी हाइट पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। इसके साथ साथ ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके साथ साथ ये आपकी आंखों की रोशनी को भी तेज करेगा। आप नोटिस करेंगे जो आपको पहले हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था वो सारी तकलीफें आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस सुपर टॉनिक को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत है चलिए अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेने हैं आपको 50 ग्राम अखरोट। अखरोट में होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, बालों को काला करता है, अगर आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो वो ठीक हो जाता है, और इससे क्या होता है आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है। अखरोट आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका हेयर फॉल पहले से बहुत कम हो गया है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरा हमारा मेन इंग्रेडिएंट है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यानी अलसी। इसमें हम अलसी का इस्तेमाल करेंगे 25 ग्राम। क्वांटिटी आपको इतनी ही रखनी है। अलसी में होता है कैल्शियम, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, जो हमारी अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है, हमारे बालों के लिए वरदान है, स्किन को, हमारे हार्ट को, हमारे ज्वाइंट पेन को बिल्कुल खत्म कर देता है। ज्वाइंट पेन अगर आपको है तो वो इससे दूर हो जाता है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है, हमारी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें हम लेंगे छोटी इलायची हरी वाली। इसके लेने हैं आपको 8 से 10 दाने। इलायची क्या करती है, आपके स्ट्रेस को दूर करती है, आपके दिमाग को तेज करती है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देती है। आप नोटिस करेंगे कि इससे आपका पहले से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है, आपको ब्लॉटिंग की, कब्ज की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है बादाम। वो हम लेंगे 50 ग्राम। बादाम में होता है विटामिन ई, कैल्शियम, प्रोटीन, जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतर होता है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो इससे आपका हार्ट ठीक से काम कर पाता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब हमें क्या करना है, इन सब इंग्रेडिएंट को तवे पर हल्का हल्का भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। किस लिए, ताकि जो उसमें मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और ये अच्छे से पिसकर एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो अब आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा इजीली आपको मार्केट से, परचून की दुकान से मिल जाएगा, वो ले सकते हैं 75 ग्राम। और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम धागे वाली मिश्री, उसका भूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को हमने क्या करना है, मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। जैसे ये पाउडर बन जाएगा तो आपको इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसको इनटेक करने का सही समय क्या है और किस उम्र के आदमी को किस टाइम और कितनी क्वांटिटी में इसको इनटेक करना है। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है तो आप इसको छोटा जो चाय का चम्मच होता है, छोटा वाला चम्मच, वो एक चम्मच आपने देना है रोजाना रात को सोने से पहले दूध के साथ। और अगर आपके 18 साल से उम्र ज्यादा है तो आपको लेने हैं 2 चम्मच दूध के साथ रात को सोने से पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले। ऐसा आपको 21 दिन तक लेना है। 21 दिन बाद आप अपने शरीर में इतने बदलाव देखेंगे, जो आपकी अंदरूनी कमजोरी थी, आपका शरीर कहते ना एकदम फौलाद बन जाएगा, आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जैसे बारिशें चल रही हैं या सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको जो बार बार जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, वो नहीं होगा। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके
आपके पहले से बाल जो बिल्कुल ग्रोथ करना बंद कर दिए थे वो ग्रो करने लगेंगे। आपको हमेशा जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द रहता था वो दूर हो जाएगा। पुराने से पुराना आपका गठिया धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपकी जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता था वो खत्म हो जाएगा। आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। आपका हार्ट ठीक से काम कर पाएगा। आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी और इनफैक्ट ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेगा, जिससे कि आपका मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये आपके हड्डियों के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए वरदान है। तो प्लीज इस टॉनिक को जरूर इस्तेमाल करें और आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है, इसको बनाकर रखें, अपने फैमिली मेंबर्स को दें, खुद खाएं और स्वस्थ रहें। ऐसे ही खूब सारा मुझे प्यार देते रहें। प्लीज इस वीडियो को जमकर शेयर और बहुत सारा लाइक करिएगा। दिल से तमन्ना है मेरी, क्योंकि मैं आपके लिए इतना यूजफुल वीडियो लेकर आई हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को अच्छा कर सकता है, तो एक लाइक तो बनता ही है ना। तो लाइक करिए, शेयर करिए और यूं ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।